लक्ष्मी जी की कृपा हर व्यक्ति पर बरसे यह सब चाहते हैं, और लक्ष्मी जी की कृपा पाने का सबसे शुभ दिन दिवाली होता है। इस दिन देवी लक्ष्मी सभी के घरों में भ्रमण करती हैं, जिनसे प्रसन्न होती हैं उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई तरह के उपाय किए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दिवाली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी के साथ में पूजा क्यों की जाती है? लक्ष्मी जी और गणेश जी का आपस में क्या रिश्ता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी का आपस में क्या रिश्ता है। जो लोग सनातन धर्म या गणेश लक्ष्मी जी के बारे में ज्यादा नहीं जानते, वो अक्सर लक्ष्मी गणेश जी के रिश्ते को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी गणेश का आपस में क्या रिश्ता है और दोनों के साथ में पूजा क्यों की जाती है। सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी के रिश्ते के बारे में बताएंगे। माँ पार्वती ने भगवान विष्णु को भाई बनाया था। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के पति हैं, तो इस रिश्ते से गणेश जी लक्ष्मी जी के भांजे हैं। इतना ही नहीं, गणेश जी लक्ष्मी जी के मानस पुत्र भी हैं। एक बार विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को यह कहकर अपूर्ण बता दिया कि माँ बनने के बाद ही कोई स्त्री पूर्ण होती है। ये जानकर लक्ष्मी जी दुखी हो गई और अपनी सखी पार्वती जी से यह बात कही और उनके दो पुत्रों में से एक को गोद मांगा। तो पार्वती ने अपनी सखी का दुख दूर करने के लिए अपने बेटे गणेश को उन्हें गोद दे दिया। अब जानते हैं वो कथा कि क्यों लक्ष्मी गणेश जी के साथ में पूजा होती है। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाने लगे। गणेश को पुत्र रूप में पाकर माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, मैं उसके पास नहीं रहूंगी। इसलिए सदैव लक्ष्मी जी के साथ उनके दत्तक पुत्र भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अब वो कथा बताते हैं जिसकी वजह से दोनों की साथ में पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी जब सागर मंथन में मिली और भगवान विष्णु से विवाह किया, तो उन्हें सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। तो उन्होंने धन को बांटने के लिए मैनेजर कुबेर को बनाया। कुबेर बड़े ही कंजूस थे, वे धन बांटते नहीं थे, खुद धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी परेशान हो गई, उनकी संतान को कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि तुम मैनेजर बदल लो। माँ लक्ष्मी बोली, यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें गणेश जी की विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को धन का डिस्ट्रीब्यूटर बनने को कहा। गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वो बोले, माँ मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं। माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी। अब गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न और रुकावट को दूर करने के लिए धन आगमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी रह गए, गणेश पैसा सेक्शन करवाने वाले बन गए। गणेश जी की दरिया दिली देख माँ लक्ष्मी ने अपने भतीजे भांजे मानस पुत्र गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपनी पति नारायण के संग ना हो, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं 11 दिन बाद देव उठनी एकादशी को। माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच के 15 दिन, तो वो संग ले आती हैं गणेश जी को। इसलिए दीपावली को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। तो ये हमने बताया आपको कि लक्ष्मी जी और गणेश जी के बीच में क्या रिश्ता है और इनकी साथ में पूजा क्यों की जाती है।
ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 24।